हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बीएससी सेकंड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन 2022। सेक्शन सी वाले पार्ट पे डिस्कशन कर रहे थे। 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से सिर्फ 5 करने होते हैं। 5 हम बता चुके थे, बाकी के 3 क्वेश्चन को और हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए मैं इसे पार्ट सेकेंड वीडियो कह रहा हूँ इसी वाले क्वेश्चन का। तो पहला सवाल, ये मेरी हिसाब से डिराइव चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को डिराइव करो, और तब करो जब प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन में है। एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी को क्या डिराइव करेंगे हम आइसोथर्मल कंडीशन में, गिब्स फ्री एनर्जी के कुछ फॉर्मूले होते हैं, बस फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है, बट अंडर आइसोथर्मल कंडीशन में ये कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्वेशन लिख लो कि गिब्स फ्री एनर्जी के कुछ फॉर्मूले होते हैं, एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग के सी, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। दूसरा डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, एक फॉर्मूला होता है। तो इस बेसिस पर ये आपका मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग नहीं बन रहा था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये होगा शायद डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करो अंडर द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन में हमें क्या डिराइव करना है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करना है। तो पहली बात तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं, वहाँ से डिफाइन करते चलेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। तो आओ सीखे, लेट अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, माना कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन ये है, लिख लेंगे लेट अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन उसे कहते हैं जो दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम नहीं कहते। मैं पूरा एक वीडियो इक्विलिब्रियम के चैप्टर पर बना चुका हूँ, बट फिलहाल हम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो फॉरवर्ड का रेट ये मान लेते हैं, बैकवर्ड का रेट ये मान लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ये है, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, रेस टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे, सॉरी पावर ए भी लिख ली, इक्वेशन 1 पढ़ लेंगे, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन आते तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं फॉरवर्ड के लिए, ब्रैकेट ऑफ ए ब्रैकेट ऑफ बी पावर ए बी इक्वेशन नंबर 1। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, बैकवर्ड का रेट ये है, बैकवर्ड के लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेस टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे, कांस्टेंट लगा देते हैं के बी सी डी और पावर में सी डी इक्वेशन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम की शर्त ये हुआ करती है एट इक्विलिब्रियम कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा के एफ ए बी फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के सी ब्रैकेट ऑफ सी ब्रैकेट ऑफ डी पावर सी डी ए बी, कॉन्स्टेंट वालों को एक तरफ रख रहे हैं, के एफ के बी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट थे ये के एफ के बी जो आपने प्रोपोर्शनल का साइन लगा हटा करके कांस्टेंट ऐड किए थे। तो ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट ऑफ सी ब्रैकेट ऑफ डी ब्रैकेट ऑफ ए ब्रैकेट ऑफ बी पावर सी डी ए बी। वैसे हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना था, मैंने बता दिया। ये कांस्टेंट इनको हम एक नया कांस्टेंट पढ़ लेते हैं के सी, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि प्रोडक्ट साइड वाले का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड वाले सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का जो रेशियो आता है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है, ये आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करना है आपको। तो इस क्वेश्चन में जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन था वो यही है, डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रूफ करेंगे कि के सी इक्वल टू ये आना चाहिए, ये हमें माइंड में रखना है कि हमको लेके क्या आना है वो भी किस बेसिस पे लेके आना है, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ करके और आइसोथर्मल कंडीशन का इस्तेमाल करके, दो कंडीशन का ध्यान रखते हुए, दो बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस बात को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे, हम बहुत समझदार हैं और हम जानते हैं, वी नो दैट गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल जी या जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी लॉग ब्रैकेट ऑफ जो भी रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आ जाएगा, पावर कोफिशेंट होंगे तो पावर में आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, माना कि ये रिवर्स रिएक्शन ये है, तो ए कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी, क्योंकि हम बोल रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन के लिए प्रूफ करना है। तो टेम्परेचर को टी ऑफ ए, आर तो गैस कांस्टेंट होता है तो हमेशा ही कांस्टेंट आएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट वाला मामला है, T
टी ए नहीं लिख सकते क्योंकि टी ए टी बी टी बी टी सी टी डी ए का कंसेंट ए का टेम्परेचर बी सी डी का टेम्परेचर सबका सेम रहेगा आइसोथर्मल कंडीशन में, तो इसे आर टी दिख रहे हैं। और यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन है ए, और पावर ए लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर वन पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो अगर वन टू से पढ़ के जा रहे हैं तो इसे थ्री फोर फाइव सिक्स कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में असली शुरुआत यहाँ से करनी है। ये मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रूफ करके आपको ये लाना चाहिए कि इसका कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट आना चाहिए, कॉन्स्टेंट आता है। तो फॉर बी कंपोनेंट के लिए जी बी नॉट प्लस आर टी लॉग ब्रैकेट ऑफ बी पावर बी इक्वेशन टू। सी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से ये हम बात कह रहे हैं, जी सी इक्वल टू जी सी नॉट प्लस आर टी लॉग ब्रैकेट ऑफ सी की पावर सी इक्वेशन नंबर थर्ड। डी जी डी इज इक्वल टू जी डी नॉट प्लस आर टी लॉग ब्रैकेट ऑफ डी की पावर डी इक्वेशन नंबर फोर्थ। नाउ हम क्या करेंगे कि अब हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल रहे हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एक्चुअली डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी, या तो फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर फोर्थ कर लेते हैं और इसे माइनस कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर टू को। वी गेट, ये सब करने पर क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा जी सी प्लस जी डी माइनस जी ए प्लस जी बी इज इक्वल टू ये माइनस ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जी डी नॉट जी सी नॉट प्लस जी डी नॉट एक ब्रैकेट में, हाँ जी सी नॉट चलो पूरा ही लिख लेते हैं, जी सी नॉट प्लस आर टी लॉग सी के पावर सी प्लस जी डी नॉट प्लस आर टी लॉग ब्रैकेट ऑफ डी की पावर स्मॉल डी इसे एक ब्रैकेट में माइनस जी ए नॉट प्लस आर टी लॉग ब्रैकेट ऑफ ए की पावर ए स्मॉल ब्रैकेट में प्लस जी बी नॉट प्लस आर टी लॉग ब्रैकेट ऑफ बी की पावर बी एक ब्रैकेट में, ये कर लेंगे। और ये क्या है, प्रोडक्ट वाले का गिब्स फ्री एनर्जी, ये रिएक्टेंट वाले का गिब्स फ्री एनर्जी, तो मैं इसे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल जी कह सकता हूँ। आगे बढ़ाते हैं, तो जी सी जी डी जी ए जी बी नॉट वाले टर्म्स को एक तरफ रख देंगे और फिर जा कर के हम आर टी वालों को एक तरफ रख लेंगे। तो हम ऐसा करने के लिए जी सी वाले जी वाले टर्म को एक तरफ रख रहे हैं, जी सी वाले टर्म को मतलब जी नॉट वाले टर्म को, तो जी सी नॉट प्लस जी डी नॉट प्रोडक्ट वाला है, जी ए नॉट प्लस जी बी नॉट है इनको एक तरफ, वो भी माइनस साइन के साथ क्योंकि ये प्लस के थे और ये वाले माइनस के हैं, आगे से माइनस है, प्लस आर टी ए प्लस आर टी ए माइनस आर टी ए आर टी ए। तो चलो पूरा लिख ही लेते फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, आर टी एल एन सी की पावर सी प्लस आर टी एल एन डी की पावर स्मॉल डी एक ब्रैकेट में माइनस आर टी लॉग ब्रैकेट ऑफ ए की पावर ए प्लस आर टी लॉग बी की पावर बी एक ब्रैकेट में, इसको पुट कर लेंगे माइनस करके लिख लेंगे इसको। ये क्या है, प्रोडक्ट वाले का जी नॉट, ये रिएक्टेंट वालों का जी नॉट, इनको हम कह सकते हैं गिब्स फ्री स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। और इसी तरीके से हम इसमें आर टी अगर सबसे कॉमन कर लिया जाए तो हम देख पाएंगे कि आर टी सबसे कॉमन हो गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये आएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको लिखा जा सकता है लॉग m इंटू एन और माइनस का लॉग ये इंटू लॉग वो लिखना था तो ये अपॉन में आ जाएगा, लॉग ये क्या बनेगा लॉग m प्लस लॉग n, आर टी तो कॉमन है, लॉग m प्लस लॉग n लॉग m इंटू एन हो जाएगा और क्योंकि आगे से माइनस है तो ओवरऑल लॉग m माइनस लॉग n लॉग m अपॉन n होता है। लॉग की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं किया हमने। अगर समझ ना आए तो इसे फिर से डिस्क्राइब कर लेंगे, होप शायद दिखाई दे रहा होगा पूरा नीचे तक, लास्ट वही दिख रहा है।
तो ये हमारा बन जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं समझा देते हैं। माइनस लॉग ब्रैकेट ऑफ ए की पावर ए इंटू लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन हो जाएगा जो कि ये बन जाएगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। तो मैं इसके बाद यहाँ बता रहा हूँ, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी, आर टी सबसे कॉमन था, आर टी लॉग एम माइनस लॉग एन को क्या लिखा जा सकता है, लॉग एम अपॉन एन, ये लॉग की प्रॉपर्टी होल्ड करी और कुछ नहीं किया, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन होता है, वहाँ से वो लिख लियो। अब बात कर लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर हम ध्यान रखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी की वैल्यू होती है जीरो। अब डेल जी जीरो होगा तो यहाँ तो जीरो लिख देंगे, तो बचा क्या डेल जी नॉट, तो हमारे पास ये आ जाएगा आर टी लॉग, एक्चुअली अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो इस टर्म को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं के सी, तो हमको प्रूफ ये करना है कि ये कांस्टेंट आता है, फिलहाल यही टर्म पढ़ लेते हैं, आर टी लॉग सी डी अपॉन ए बी की पावर सी डी ए बी इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, डेल जी को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का डेल जी नॉट। मेरे को ये चाहिए, ये प्रूफ करना है कि ये कांस्टेंट है, तो आर टी यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, कैसे किया वो देख लिया होगा आपने, मैं एक स्टेप और लिख लेना आप। तो यहाँ पे दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ये बचेगा आपका सी डी अपॉन ए और बी की पावर स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ए बी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। देखो डेल जी नॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, आर कांस्टेंट है, और जब आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा। ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है तो वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर ये ओवरऑल क्या आएगी कांस्टेंट, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा वो कांस्टेंट आ जाएगा, जिस कांस्टेंट को हम क्या पढ़ लेंगे तो के सी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर में शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं दिया हुआ है, तो इसको सही से करेक्ट करके कर लेंगे। होप आपको समझ में आया होगा डेरिवेशन, पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल, फिर से ये इक्विलिब्रियम का ही एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने इक्विलिब्रियम वाली यूनिट से। तो फिर से मान लेते हैं लेट अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं, कैपिटल ए बी इज रिएक्टेंट और कैपिटल सी डी प्रोडक्ट हैं, और स्मॉल ए बी सी डी उनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो रही है, जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर होता है उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं, अदरवाइज रिवर्सिबल को इक्विलिब्रियम नहीं कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की स्पेशल कंडीशन जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाए उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ली चैटलियर ने ये बताया कि इस इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो दिस प्रिंसिपल डिफाइंस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन एन इक्विलिब्रियम। वैसे वो हम डिफाइन करेंगे, उसके बावजूद भी ऐसा लगेगा कि कमी डिफाइन किया है 4 मार्क्स के हिसाब से, तो आप पहले इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, दो दो चार चार लाइन में एक पेज तक बढ़ सकते हो। तो इसके बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मतलब अलग अलग रिएक्शंस पर अलग पड़ता है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें हेडिंग डाल के इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेट एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं आपको, N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये एक रिएक्शन है और ये एक मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम पर होगी तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, और ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक वो जिसमें हीट रिलीज होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय हीट रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर नहीं रहती, मतलब दोनों सेम रेट से चेंज नहीं होते, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस वाला मामला हो गया,
पर वो इक्विलिब्रियम हो कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली बहुत सारी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, जो हीट एब्जॉर्ब करके प्रोसेस होती है। तो मैंने माना कि लेट यही हमें पता नहीं है एग्जाम्पल, अगर तो हम ऐसे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये मान रहे हैं कि ये एक एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक की पहचान जिसके लिए एंथैल्पी पॉजिटिव आता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एंडोथर्मिक वो है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो टेम्परेचर जब मैं दूंगा इस रिएक्टेंट को, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हो जाएगी। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, ये क्लास 11th में भी बोली थी किसी ने, गैलुसेक ने कही थी कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 4, यहाँ 1 और 3 4, और ये 2 है, इनको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा गैलुसेक ने क्लास 11th के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये बात कही है। तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है इस रिएक्शन, यही एग्जांपल ले लेते हैं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। लेफ्ट साइड का अगर हम वॉल्यूम देखें तो इधर 4 वॉल्यूम है, जबकि राइट साइड का जो वॉल्यूम है वो 2 वॉल्यूम है। तो इधर 4 वॉल्यूम है और इधर 2 वॉल्यूम है। तो और ये इक्विलिब्रियम पर है, सपोज दोनों साइड चल रही है सेम रेट से। तो अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होती है जिधर वॉल्यूम कम होता है। तो इधर वॉल्यूम कम है तो इक्विलिब्रियम बढ़ा, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर नहीं रहेगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ नहीं, जिधर वॉल्यूम कम है उस तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी। अगर इधर वॉल्यूम कम होते तो इधर शिफ्ट हो जाती है, फिलहाल तो इधर वॉल्यूम कम है क्योंकि इधर 2 वॉल्यूम है, तो इक्विलिब्रियम इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये एग्जाम्पल अमोनिया हैबर प्रोसेस का है, आप जानते होंगे। तो अमोनिया बनाने के प्रोसेस को अमोनिया हैबर प्रोसेस कह रहे हैं इस रिएक्शन में। और टेम्परेचर अगर आपको याद हो तो 12th का एक टॉपिक ये भी है कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर को कम रखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बनने लगेगा, इसलिए टेम्परेचर को कम रखते हैं और प्रेशर को ज़्यादा रखते हैं इस कंडीशन में। अगर माना सपोज इस टाइप की कोई रिएक्शन है, तो इधर भी वॉल्यूम देखा जाए तो 2 वॉल्यूम है और इधर भी देखा जाए तो वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है। तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेन एवर वॉल्यूम इज सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बारी आ जाती है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है हमारा अमाउंट। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ये बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी। इफ़ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये मामला होता है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का। और एक चौथा टॉपिक और भी है, कैटलिस्ट का इफेक्ट। वैसे तो ये ली चैटेलियर स्पेशली नहीं समझाता, बट फिलहाल कैटलिस्ट का इफेक्ट भी डाल सकते हैं बड़ा करने के लिए। कैटलिस्ट का काम होता है रेट को बढ़ाने या घटाने का, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट को इक्वल मात्रा में बढ़ा देता है, जिस वजह से रेट पर कोई इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट जितना ये बढ़ा उतना ही बढ़ा, तो फिर से वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी। तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एन इक्विलिब्रियम। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें नीचे डेली प्रिंसिपल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8th वाला क्वेश्चन था स्टीम डिस्टिलेशन को लेकर के, कि डिफाइन स्टीम डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। दो शब्द से बनाए, स्टीम प्लस डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन का मतलब प्योरिफिकेशन समझ में आता है मुझे, और स्टीम की मदद से आपको स्टीम का डिस्टिलेशन करना है, मतलब स्टीम से प्योर करना है आपको किसी चीज़ को। तो बेसिकली आपके पास ये सेटअप है, पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है लेबोरेटरी में जिसके थ्रू आपको ये डिस्टिल करना है, प्योर करना है। डिस्टिलेशन पूरी सेटअप आता है, कुछ मशीन आती है, उस बेसिस पर हम करते हैं इसे। और ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज़ का पे क्वेश्चन है, तो जब तक प्रैक्टिकली नहीं किया होगा तो वैसे उसके अंदर के मैकेनिज्म समझा सकते हैं हम। और डायग्राम वाले सवाल सबसे सरल होते हैं, उनमें आपको डायग्राम ही याद रखने होते हैं, और बड़े मार्क्स में इतना बड़ा डायग्राम बना दो कि आधा एक पन्ना तो एक पेज दो पेज तो इसी में भर जाए, इतना बड़ा डायग्राम है भी वो, डिज़र्व भी करता है वो। और उसके बाद में हर चीज़ को दो दो तीन तीन लाइनों में लिखते रहो और डिफाइन करते रहो। तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास एक क्या होता है, स्टीम जनरेटर होता है एक सेटअप, जिसके अंदर हम वाटर भरते हैं, और एक हमारे पास एक इम्प्योर लिक्विड होता है जिसको हमको प्योर करना है, डिस्टिल इसी को करना है एक्चुअली, प्योर इसी को करना है। और एक सेटअप है जहाँ पर आपको प्योरली आपको जो डिस्टिलेट वाटर होगा या डिस्टिल लिक्विड जो आएगा, प्योर लिक्विड जो आएगा वो यहाँ मिलेगा।
तो हमारे पास तीन चैम्बर में या तीन सेटअप में आपका ये सिस्टम बना हुआ है। इसमें हमने पानी भरा, हमने इसे गर्म किया, गर्म कर करके इससे वेपर रिलीज़ हुआ, स्टीम रिलीज़ हुआ, स्टीम इसे मिला ताकि इसे गर्म कर सके। वैसे नीचे इसे गर्म करने के लिए एक और फ्लेम लगी हुई है कि हम प्योर लिक्विड को गर्म करते रहे। तो इसकी जो स्टीम है जो कि लिक्विड वेपर की है, लिक्विड की जो वेपर है वो है और वाटर की जो वेपर है वो है, वो दोनों आपस में यहाँ जा करके क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। जो वाटर था वो तो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और जो प्योर लिक्विड है वो यहाँ डिस्टिलेट होकर के ऑब्जर्व हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, और इसी पूरी प्रोसेस को स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं कि आपने इम्प्योर लिक्विड को प्योर लिक्विड में बदल दिया। सिंपल सा यही है, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस रखना है और हर चीज़ को डिफाइन करते रहना है और दो दो लाइन हेडिंग बना करके डिफाइन करते रहो, पूरा स्टीम डिस्टिलेशन कम्प्लीट हो जाएगा और मेरी तरफ से वीडियो भी कम्प्लीट हो गया। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। कल 12 तारीख है, आपका एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग रात में भी कॉल करके या सुबह सुबह कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके बता पूछ सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा।